नौ साल पहले पूरा हिंदुस्तान एक जंगल था। बिल्किस बानो के कातिलों को आपने खुली फिजाओं के अंदर छोड़ दिया। 2024 का चित्रा जी टीजर और ट्रेलर रिलीज हो चुका है। करोड़ों करोड़ जॉब क्रिएट हो रही है, करोड़ों रोजगार सृजित हो रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं भैया, पता बता दीजिए। मणिपुर इसी चीज पे जल रहा है। उनके पास नरेंद्र मोदी है, हमारे पास भारत का डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान है। अगर नरेंद्र मोदी उद्घाटन कर रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। वारिस पठान साहब, लेकिन दूसरी बड़ी उपलब्धि के तौर पर क्या इस बात को सरकार ले सकती है, 80 करोड़ लोगों तक मुफ्त में अनाज यही सरकार पहुंचा रही है और ये तमाम उपलब्धियां लगातार सरकार की ओर से गिनाई जा रही हैं, तो ये चीजें विरोधी दलों को नजर क्यों नहीं आती हैं? वारिस जी देखिए, चित्रा जी बीजेपी के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि 9 साल पहले पूरा हिंदुस्तान एक जंगल था। ना वो अच्छे रस्ते थे, ना रोजगार था, ना रोड थे, ना यूनिवर्सिटी थी, ना हॉस्पिटल था, ना ट्रेन था, ना मेट्रो था, कुछ नहीं था हिंदुस्तान में। ना हिंदुस्तान को कोई विदेशी लोग बुलाते थे, ना कोई इज्जत देता था। बस ये 9 ही साल के अंदर हिंदुस्तान सब कुछ आगे बढ़ गया। अरे जफर साहब, 9 साल में हिंदुस्तान का आपने बेड़ा गड़क कर दिया पूरी तरह से। हिंदुस्तान तो कहा था 15 लाख रुपया देंगे, वो तो गए खड्डे में नहीं दिए आज तक। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना था, उसकी जगह तो करोड़ों युवा बेरोजगार हो गया। अरे आपने 9 साल में बहुत बड़े बड़े काम किए, एक तो संविधान को खत्म कर दिया, डेमोक्रेसी लोकतंत्र का गला घोट दिया और पूरी तरह से देश में नफरत फैला दी। आपने इतनी नफरत फैलाई कि मुसलमानों का तो जो माइनॉरिटी का बजट था उसके अंदर भी आपने कटौती कर दी। नारी सम्मान के नाम पे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे आपने नारी का अपमान कर दिया। बिल्किस बानो के कातिलों को आपने खुली फिजाओं के अंदर छोड़ दिया। उसके बाद जब कोई मॉब लिंचिंग कितना बढ़ गया आपके राज्य के अंदर, गाय के नाम के ऊपर आपने गुंडों को खुला छोड़ दिया। जाओ किसी को पूछो कहां लेके जा रहा, अगर गाय है नहीं है तो भी उसको पकड़ के मॉब लिंचिंग कर दो, उसको मार डालो, फिर उसको आपने हीरो बना दिया। जब बाहर आए तो हार फूल पिनाया आपने, टिकट दिया इलेक्शन का, जीता के हीरो कर दिया। वाह 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 वाह, क्या 9 साल में आपने तरक्की कर दिया। महंगाई कहां जा रही है मालूम है आपको? पेट्रोल डीजल गैस का भाव क्या है पता है आपको? जफर भाई मुझे यकीन है कि आप स्टूडियो या कहीं आए होंगे तो बैलगाड़ी में नहीं है। आप लोग सिलसिलेवार तरीके से जो बातें गिना रहे हैं उसका असर क्यों नहीं होता है? आपने बोला कि टिकट दिया और चुनाव जितवा दिया। चुनाव जितवाने का काम तो जनता का है ना, इनका काम तो सिर्फ टिकट देने का है, तो इन्हीं के उम्मीदवार को जनता क्यों चुन रही है? बहुत जल्दी बहुत जबरदस्त असर होने वाला है, क्योंकि 2024 का चित्रा जी टीजर और ट्रेलर रिलीज हो चुका है और पिक्चर का नाम मैं आपको बता देता हूँ, बाय बाय मोदी 2024। ये भी पूरी तरह देश के अंदर रिलीज हो चुका है और आगे पब्लिक इनको जवाब देगी। हाँ। कोविड काल में क्या कर दिया उन्होंने, भूले नहीं है, शमशान में जलाने के लिए लकड़े नहीं थे। अरे और आप अभी पार्लियामेंट की बिल्डिंग का उद्घाटन करने चले, करिए। प्रेसिडेंट का आपने अपमान कर दिया, राष्ट्रपति देश का नंबर 1 हमारी मुर्मू जी, उसको आपने बुलाया नहीं। आप मन मर्जी से चलाते रहिए देश को, देश का पूरी तरह आपने बेड़ा गर्क कर दिया और फिर भी आप बोलते हैं मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो बिल्कुल महंगाई है, बेरोजगारी है, इतने सारे मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में, इतने सारे 14 नई इंडस्ट्रीज, नई कंपनियां यहाँ जो दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर शॉप बनाए, तो क्या मैन्युफैक्चरिंग में क्या व्हाइट कॉलर और ब्लू कॉलर जॉब नहीं क्रिएट होती है? करोड़ों करोड़ जॉब क्रिएट हो रही है। क्या बोला तूने? करोड़ों करोड़ जॉब क्रिएट हो रही है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब ही जॉब क्रिएट हो रही है। जब एमएसएमई को हमने इतना सपोर्ट किया, आत्मनिर्भर बनाने का काम किया, उसमें किसको फायदा हुआ? सारे एमएसएमई, जितने सारे 6 लाख एमएसएमई है उनको सबको वहां इतनी सारी नौकरियां शुरू हुई है। जो हमने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसके इम्पैक्ट जमीन पे आम नागरिक को हुआ, चाहे वो मुद्रा लोन से हो चाहे और कहीं। सुनिए, बीच मत बोलिए, मैं बीच में नहीं बोलूंगा, मैं आपके बीच में एक बार नहीं बोला, फिर भी नहीं बोलूंगा। आप कहते हैं महंगाई बढ़ी, कहां महंगाई बढ़ी भाई? जो उस वक्त का मापदंड और आपका मापदंड अलग होता है क्या? इस देश के लिए कोई अलग दो कानून, बीजेपी के शुरू होगा तो दूसरा कानून रखेंगे क्या? जो 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 उस वक्त का सीपीआई इंडेक्स था राज, वो सीपीआई इंडेक्स दूसरा है क्या? तो आप हकीकत से, हकीकत के से हट के मत बात कीजिए। यार तुम तो धनाधन फेंके जा रहे हो, उछालने की कोई लिमिट होती है? तू बोलो, बार बार झूठ बोलो। ठीक है, अनुराग भदौरी जी, आपके पास आते हुए गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कहा जा रहा है कि हैट्रिक लगाएगी सरकार और अब की बार भी 300 पार, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि 2019 में बीजेपी की ओर से किया गया था। नरेंद्र मोदी का करिश्मा और बीते 9 साल के कामकाज जिसके आधार पर जनता फिर से भरोसा जताएगी, और यूपी में तो पूरी की पूरी 80 सीट जीतने का प्लान तैयार किया है इन लोगों ने। ये भी एक भारतीय जनता पार्टी का अचीवमेंट ही होगा कि जो संसद का उद्घाटन कर रहे हैं, जिस भवन का, संसद भवन का, उसमें राष्ट्रपति जी को नहीं बुला रहे हैं, ये भी उनके अचीवमेंट में शामिल करा दीजिए। दूसरी बात, ये सिंगोल की बात करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसका मतलब नहीं समझ पा रहे हैं।
सच्चाई, निष्ठा और उसमें धर्म की बात होती है, लेकिन आपके पास तो है ही नहीं, ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं आपके पास, तो कम से कम उसको तो सीख लीजिए। आप यहाँ ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, सच्चाई की बात करते हो, इमारत आपने झूठ पे खड़ी कर रखी है। अभी आप कह रहे थे करोड़ों रोजगार सृजित हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं भैया, पता बता दीजिए, पूरे देश के लोग चले जाएंगे, करोड़ों करोड़ों रोजगार, आप ही तो बोल रहे थे अभी आज तक के चैनल पे, आप बोल दीजिए कहाँ हो रहे हैं, सब चले जाएंगे, सबको रोजगार मिल जाएगा। तो ये झूठ और जुमलों की जो इमारत खड़ी करते हो, ये फुस हो चुकी है, ये आपकी गिर रही है, धरातल में मिल चुकी है, लेकिन दिक्कत ये कि आपको पता ही नहीं है कि आप आपकी जमीन खिसक गई है और आप हल्ला मचाए चले जा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, कम से कम आप लोकतंत्र का सम्मान कीजिए, लोकतंत्र का सम्मान कीजिए, राष्ट्रपति जी का सम्मान कीजिए, वो भी आप सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, आप सेंगोल का भी सम्मान कीजिए, सेंगोल लगाने की तो बात करते, उस पर अमल कीजिए, उसका जो मतलब होता है उस पर तो अमल कीजिए, कम से कम उस पर भी अमल नहीं करना है। अच्छी बात है कि आपको एहसास हो गया कि आपकी सरकार जा रही है, इसीलिए आप सेंगोल ले आए हैं कि चक्कर आपको 2024 में किसी और को देना है। अनुराग भट्टाचार्य, नहीं नहीं 2024 में इनको देना हो रहा है, नहीं हो रहा है वो तो सदन के अंदर ही दिखाई देगा ना, बहिष्कार से थोड़ी ना नजर आएगा 2024 में। हाँ। चित्रा जी 2024 में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, इस बात का बीजेपी को एहसास हो गया है। हाँ। इसीलिए वो राजदंड लेके आए हैं, क्योंकि उनको दूसरों को देना है, हम लोगों को देना है राजदंड, क्योंकि सत्ता हमारी आने वाली है। तो इस बात के भारतीय जनता पार्टी को पहले से एहसास हो गया है, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। कम से कम आप जनता के मूड को पहले ही समझ गए, ठीक है जफर साहब, जनता के मूड को पहले ही आप समझ गए, इसलिए आप राजदंड लेके आए। ग्रीन चिमनी सुनिए तो सही, जल्दी से। अरे भाई आपको 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 आपका वीडियो भेजेंगे 2017 का, 2022 का, दोनों वीडियो भेजेंगे आपके, मेरे पास दोनों वीडियो है। ये कहते हुए कि हम यह सरकार बनाएंगे, हम यह सरकार, जनता ने क्या किया, क्या कहा था, क्या जनता ने क्या किया, हम आपको जनता ने क्या किया, आपको नकार दिया, नकार दिया आपको, नहीं जनता ने क्या किया, नकारा, ऐसा नहीं नकारा, ऐसा बुरा नकारा कि आप इस लायक भी नहीं बचे कि आपके साथ कोई अलायंस कर सके। आप अलायंस किया, दूसरे के कंधे पर बैठे, दोनों गिर गए। आपको को जुमले दिए गए हैं वो वीडियो, अरे भाई मैं तो कह रहा हूँ कि देश की जनता को आप अपमान कर रहे हैं, एक आर्मी को अपमान कर रहे हैं, दोनों लोग आपस में लड़े, समझ में नहीं आएगा। ये सेंगोल को ही पूरी तरह से बोगस बता देना जयराम रमेश जी की ओर से, वो कह रहे कोई साक्षी ही नहीं है किस तरह का कोई सत्ता हस्तांतरण हुआ था। उधर से बीजेपी कह रही है कि तमिल भावना का अपमान कर रही है, वहां की परंपरा का, वहां की संस्कृति का मखौल उड़ा रही है कांग्रेस पार्टी, ऐसा बोलकर। देखिए अमित शाह जी संस्कृति रिवाज, इनको इनके कपड़ों से पहचानो, खाने से पहचानो, इसी विवाद में कर्नाटका की आग जो लगी थी उसमें ठंडा पानी डालने का काम लोगों ने किया, या वहां पर भी बहुमत से आगे अमित शाह जी का वीडियो चलाइए कर्नाटक में। मणिपुर इसी चीज पे जल रहा है, जिस सिंगोल का आप दिखा रहे हैं प्रतीक, बात वही है, चर्चा होनी किस पे, संसद पर होनी है, संगोल पर होनी है, या संसद के भीतर उठने वाले मुद्दों पर होनी है। आज मुद्दों पर तो बोल ही नहीं रहे, नौ सवाल मुद्दों पर है, आज संसद भवन वहां नहीं, यहां होगा, पर चर्चा होगी। उसको झूठ का पुलिंदा बता दिया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, बोगस। कांग्रेस का जो स्टैंड है नई पार्लियामेंट, चित्रा जी कांग्रेस का जो स्टैंड है सिंगोल को लेकर, नई पार्लियामेंट को लेकर और मुद्दों को लेकर, कांग्रेस ने अपना स्टैंड साफ लोगों के बीच में रख दिया है। अब हम लोगों में जा रहे हैं, ये भी जा रहे हैं, कर्नाटका में भी औंधे मुंह आकर गिरे, हिमाचल में भी डबल इंजन की सरकारें औंधे मुंह आकर गिरना शुरू हो गई है, अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी आप देख लीजिएगा, इनकी वापसी नहीं होने वाली। वारिस पठान साहब, लेकिन उनके पास नरेंद्र मोदी हैं, बहुत बड़े कद का नेता, विरोधी दलों के पास तो आसपास भी कोई नजर नहीं आता है। देखिए बीजेपी बार बार उनके करिश्मे का भी जिक्र करती है, वारिस पठान साहब कौन खड़ा होगा उनके सामने? उनके अच्छा उनके पास नरेंद्र मोदी है, उनके पास नरेंद्र मोदी है, हमारे पास भारत का डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। अब 9 साल हो गए चित्रा जी, चौथा डेमोक्रेसी का स्तंभ कहने वाला क्या होता है, मीडिया, प्रेस। 9 साल में कितना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया नरेंद्र मोदी जी ने? एक भी नहीं। 9 साल में चीन घुसता आ गया अरुणाचल प्रदेश के अंदर, कितना 56 इंच का सीना दिखा दिया, जरा भी नहीं। अब बात निकली सिंगोल के ऊपर, 9 साल के अंदर सिंगोल का मीनिंग क्या मालूम है? तमिल के अंदर निष्पक्ष और न्यायपूर्ण शासन का। आपने तो सीधा सीधा हमारे लोकसभा स्पीकर, जिनका अधिकार बनता है पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करना, उनसे वो अधिकार छीन लिया। हमारी जो प्रेसिडेंट थी मुर्मू, उनको आपने वहां पर आमंत्रित नहीं किया, उनको बुलाया नहीं। तो 9 साल के अंदर ये भी देखा जाएगा, 9 साल में संविधान के अंदर जो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर होता है उसकी आपने धजिया उड़ा दी। अरे सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है पता है ना? लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर का हेड कौन होता है? लोकसभा का स्पीकर। एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री। जुडिशियरी का हेड कौन होता है? चीफ जस्टिस ऑफ
विरोधी दल ये जो सवाल खड़े कर रहे हैं वो गलत है। अगर नरेंद्र मोदी उद्घाटन कर रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है। प्रभु के सबसे बड़े भक्त माने गए हैं महावीर यानी हनुमान जी, और बजरंग बली से बड़ा भक्त हनुमान जी का कोई नहीं। पवन तनया संकट हर। अब बताइए मैं क्या करूंगा। एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरह से रखिए। If you look at this from your side, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी को थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तो तेरा मन पर आ।